द नेक्स्ट डे अभी हम लोग जा रहे हैं यात्री पर्ची लेने के लिए, क्योंकि वो जरूरी है ऊपर जाने के लिए। यहाँ से मिलती है वो टिकट। मंदिर में दर्शन करने के लिए आपके पास ये टिकट होना ज़रूरी है, और ये टिकट काउंटर्स रात को 10-11 बजे तक बंद हो जाता है और सुबह 7 बजे खुल जाता है। अगर 40,000 लोग ये टिकट खरीद लेते हैं एक दिन में तो भी ये काउंटर बंद हो जाता है। टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, बस आपको ये लंबी लाइन क्रॉस करके लास्ट तक जाना होता है। और ये कैमरा देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको फ़ोटो क्लिक करवानी होती है और आपके नाम का बारकोड लगाकर वो टिकट आपको दे देते हैं। वो टिकट 6 आवर्स तक वैलिड होती है। हमने टिकट तो ले ली है, पर प्रॉब्लम ये हो गई है कि जसप्रीत आई नहीं है, तो जसप्रीत को फिर से आना पड़ेगा। तो देखते हैं, तब तक कुछ खा पी लेते हैं। जसप्रीत रह गई थी टिकट लेने के लिए, तो वो भी टिकट लेने गई है। तब तक मैंने सोचा कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, इसलिए हम वहीं पे आ गए जहाँ पे हमने रात को खाया था। ऑफिशियली अवर ट्रिप स्टार्ट्स नाउ। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए। व्यू तो बहुत ही सुंदर है, पर गर्मी भी लग रही है थोड़ी थोड़ी। अभी बहुत ही लंबी लाइन है यहाँ पे। यहाँ पे यात्री पास चेक हो रहा है और चेकिंग, सिक्योरिटी चेक। इस सिक्योरिटी पॉइंट से लेकर आपको एक बहुत लंबी लाइन क्रॉस करनी होती है, अप्रॉक्स 1 to 2 किलोमीटर की, जहाँ से ये मंदिर का मेन गेट आता है। ये चेक पॉइंट है लेडीज़ के लिए, काफ़ी खाली है। जेंट्स की तो बहुत लंबी लाइन है। यहाँ से मेन एंट्रेंस है। अब मेन स्टार्ट हो गया, अब यहाँ से 12.5 किलोमीटर जाना है सीधे। लेट्स सी कैसे। अब जैसे कि यहाँ पे आपको शॉप्स दिख रही हैं, रास्ते भर आपको शॉप्स दिखेंगी, तो मैंने सोचा एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर कर लूँ आपके साथ। हमने यहाँ पे देखे और यहाँ से हमने लिए अखरोट यानी कि वॉलनट, और उन्होंने हमें टेस्ट भी कराए, बहुत अच्छे थे। बट जब उन्होंने पैक कर दिए, तो उन्होंने कैसे दे दिए, बिल्कुल भी खा नहीं पा रहे हैं, ऐसे दे दिए। मतलब उन वॉलनट्स को हम तोड़ ही नहीं पा रहे, खाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये था धोखा नंबर 1 जो हमारे साथ यहाँ पे पता लग रहा है। यहाँ से जब सीधा सीधा जाना पड़ रहा है ना, मतलब पूरे ऐसे खड़ी खड़ी स्लोप है चढ़ने के लिए, बट अभी तो मज़ा ही आ रहा है। आई थिंक मतलब बहुत मज़ा आ रहा है, मीन्स एक्साइटमेंट है ना ऊपर जाने की। मम्मी को बहुत मज़ा आ रहा है चढ़ने के लिए, मम्मी ने डंडी ले ली अपने साथ में और उसे वॉकिंग कर रही इन केस हमें ज़रूरत पड़े। थोड़ा सा ही ऊपर आए और मेरी तो हालत खस्ता हो गई इतना। यहाँ पे बीच में काफ़ी शॉप्स होती हैं जहाँ पे आप मंदिर की फ़ोटो ले सकते हैं, मतलब मंदिर का सेटअप उन्होंने बनाया होता है और वहाँ पे आप फ़ोटो ले सकते हैं। हमारी ये फ़ोटो लेना रह गया, क्योंकि हमने ऐसे सोचा कि हम आते हुए लेंगे और आते हुए हमारी हालत ही नहीं थी। तो जैसे कि आपने देखा, ये शॉपकीपर कुछ बोल रहे हैं, एक्चुअली एक आर्ग्यूमेंट था, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द शॉपकीपर्स इतने रूड हैं। मींस हमारा तो एक्सपीरियंस यही रहा, इस वक्त भी उनका एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था एक लेडी के साथ, जिन्होंने एक्स्ट्रा पैसे देने से मना कर दिया। यहाँ पे चीज़ें इतनी महंगी है, मतलब चढ़ते हुए हमने एक लस्सी ली 20 रुपये की और एक छाछ ली 12 रुपये की, तो टोटल हमें हुआ 50 रुपीज़, मीन्स 18 रुपये एक्स्ट्रा, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज़्यादा है। अब चलते हैं ऊपर फिर से। गर्मी गर्मी ठीक ठाक है, पर लग रही है बहुत, काफ़ी गर्मी लग रही है। गाइस मुझे भी ये डंडे की ज़रूरत पड़ गई है इतना थक गई हूँ मैं, अच्छी खासी थकान हो गई है अभी तक। मतलब अभी हम लोग चरण पादुका जहाँ पे है माता जी की, वहाँ तक आने वाले हैं, पहुँचे नहीं अभी तक, पर मुझे भी डंडे की ज़रूरत पड़े।
चलने के अप्रोक्स 3-4 किलोमीटर्स के बाद ये फर्स्ट स्टॉप आता है जो फर्स्ट मंदिर है, ये है चरण पादुका। इसकी स्टोरी ऐसे है कि जब भैरव जी माता का पीछा कर रहे थे तो वो यहाँ पे स्टॉप करके उन्होंने पीछे देखा था, तो इसीलिए ये वाला उनका मंदिर है और यहाँ पे माता के ये पॉइंट से आए हैं गाइज हम चल के, इसके भी पीछे से आए हैं बट ये एक पॉइंट है। फाइनली कोई जगह मिली अच्छी हवा वाली बैठने वाली, और व्यू बहुत ही सुंदर है। बस अर्ध आने वाला है पर मैं जितनी एक्साइटेड हो गई थी उससे कई गुना ज़्यादा थक चुकी हूँ। मीन्स अभी तक तो ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत थक गई हूँ बट अभी भी 7-8 किलोमीटर्स जाना है और फिर वापस भी आना है। हम लोगों ने अभी राजमा राइस खा ली और चाय पी ली, अब एकदम चार्ज्ड अप है ऊपर जाने के लिए। अभी भी 5.5 किलोमीटर्स है, लेट्स सी कब तक पहुँच जाएंगे। सब बंदर सोए हुए, ऑलमोस्ट रास्ता अभी कवर हो गया है, मीन्स 2.5 किलोमीटर आई थिंक बाकी है। और बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है, बहुत ही अच्छी, मुझे तो सच में ट्रस्ट ही नहीं हो रहा। मतलब मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी कि कब 13th आए हम लोग जाएं, और आज फाइनली यहाँ पे होना तो इतना अलग लग रहा है, मतलब एक विश्वास ही नहीं हो रहा कि मतलब आ गए। इतनी देर से हम लोग चल रहे हैं और अभी भी देखो कितना दूर है यहाँ से, ऐसे घूम के ऐसे ऑलरेडी 5.5 आवर्स। यहाँ से आपको फिर से एक टिकट लेनी होती है और उससे फिर आपको ग्रुप नंबर मिलता है, फिर ग्रुप नंबर अकॉर्डिंग ही आप अंदर जा सकते हैं। हमारी हालत तो देखो, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है फिर भी इतनी ठंडी हवा आ रही है एकदम एसी की तरह। बहुत ज़्यादा धूप बहुत तेज है पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत प्लेजेंट वेदर है। पिज़्ज़ा भी है यहाँ पे गाइस। मेरी हालत तो पूरी डाउन हो चुकी है पर यहाँ पे खाने के लिए बहुत कुछ है। एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहूँगी कि यहाँ पे खाने के लिए इतना कुछ है, मतलब खाने वाले थक जाएंगे पर यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं। देखो मम्मी अभी पिज़्ज़ा लेकर आई है, देखा भाई और बहनों। देखो पिज़्ज़ा का आइडिया तो फ्लॉप हो गया क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो पूरे मतलब कच्ची सब्जी है। अब ये पॉइंट है जहाँ से आगे आप अपना फ़ोन मोबाइल लेकर नहीं जा सकते, मीन्स ये एक पॉइंट है, और इसके थोड़ा सा आगे एक पॉइंट है जहाँ पे आप रख सकते हैं। हमने इस वाले पॉइंट पे रखा, ये वाला जो है ना वाइट, ये मेन मंदिर है, मेन मंदिर में जाने का रास्ता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत, और इतने सारे वॉकिंग के बाद ये मोमेंट आता है कि आप दर्शन कर सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी प्योर मोमेंट, मीन्स हार्डली आपको 1-2 सेकेंड्स मिलते हैं मंदिर के अंदर, बट इट इज़ वेरी प्लेजेंट। एंड तो मंदिर के दर्शन के बाद फिर हमने स्टार्ट किया सीढ़ी चढ़ना भैरव बाबा के मंदिर के लिए, क्योंकि रोप वे बंद हो चुका था, 5 बजे के बाद वो बंद हो जाता है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम स्लोप से नहीं जाएंगे, हम लोग स्टेयर्स लेके जाएंगे। तो देर वर अराउंड 700 स्टेयर्स मंदिर में जाने के लिए। लुक एट द व्यू, सनसेट।
टाइट हो गई हमारी चढ़ते चढ़ते, अभी भी बहुत सारा बाकी है। आफ्टर अप्रॉक्स 600 स्टेयर्स हमारा टायरिंग डे खत्म करके अब हम वापस जा रहे हैं नीचे। और व्यू यहाँ पे इतना अच्छा है और वेदर, मतलब मुझे तो लिटरली सर्दी हो गई है नागपुर वालों के लिए, इट्स लाइक दिसंबर टाइप सर्दी। सी व्यू, क्या व्यू है यार। थी हमारी करंट सिचुएशन। मंदिर से 3-4 घंटे कंटिन्यूस स्लोप उतरने के बाद पूरी हालत ख़राब हो चुकी थी और आप जैसे कि सबके फेसेस आप देख लो कि कितने टायर्ड हैं।